अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आजम खान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करता हूं अरशद बीसरू मेवा चैनल आज तक के अध्यक्ष, आज मैं उसके ऊपर बात करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस इंसान के अंदर काबिलियत होती है ना, उसी को पब्लिक टारगेट करती है। उसके अंदर काबिलियत है इसलिए कुछ लोग उसको सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से उसको एक बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। वो चंद लोग हैं, लेकिन आप ये ना भूलें, अरशद बीसरू ने मेवात का नाम भी बहुत रोशन किया है अपनी गज़लों के ज़रिए और अपनी खबरों के ज़रिए। अपने चैनल के थ्रू मेवात का नाम विदेशों तक इसने रोशन किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अरशद बीसरू गलत है या कोई गलत खबर लगाई है, तो उसको आप पर्सनल नंबर पर उससे बात कर कर उसको आप बता भी सकते हैं कि भैया आपने ये खबर गलत लगाई है। लेकिन आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ, ऐसे किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अलग अलग अंदाज, अलग अलग तरीके से उसको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये ना भूलें दोस्तों, ये अरशद बीसरू वही है जिन्होंने मेवात की हर खबर को लगाया, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे NRC के मुद्दे हो, CA के मुद्दे हो, कोई भी मुद्दा हो, ये बंदा बढ़ चढ़ कर खबर लगाता है और निडर होकर लगाता है। और ऐसे शख्सियत को आप एक बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, ये सरासर गलत है। हाँ, अगर उससे कहीं गलती हो रही है तो उससे आप जाकर मिलें और उसको समझाएं कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं। अगर हम अपने ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो मेवात का नाम रोशन कर रहे हैं, जो मेवात की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अगर हम ऐसे लोगों को टारगेट करने लगे तो फिर मेवात की आवाज़ को कौन उठाएगा? मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ सोचो और समझो। अगर अरशद बीसरू आपकी नज़रों में गलत है तो आप उसे मिल सकते हैं। उसकी हर खबर पर उसका नंबर आता है, उस पर फ़ोन भी कौन पर बात करके उससे कह सकते हैं कि आपने यहाँ पे गलत किया है, आपको ये नहीं करना था। तो कुछ ऐसी खबरें होंगी जो आपको गलत लग रही होंगी, मैं मानता हूँ आपकी नज़रों में होंगी गलत, और गलत हैं तो फिर आप उसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, उसे मिल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें टारगेट नहीं करना चाहिए जो लोग हमारी मेवात को बढ़ चढ़ कर उसकी आवाज़ को उठा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इसलिए बोला हूं क्योंकि जो लोग मेवात की आवाज़ को उठा रहे हैं और फिर हम उसी को टारगेट कर रहे हैं, ये गलत है। तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रा राय दें कि अरशद बीसरू कहाँ तक गलत है और कहाँ तक सही है। मेरी नज़र में वो सही हैं और मैं उनके बहुत ही करीबी रहा हूँ और उनसे बहुत मुलाकात मेरी होती रहती है। अक्सर कर उसके ऑफिस पर भी मैं जाता हूँ कई बार, और उनसे मुलाकात होती है और अच्छी हमारी इज्जत भी करते हैं। तो मैं इसलिए आप मेवात के तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि जो मेवात की बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठा रहा है, ऐसे लोगों को टारगेट करना बंद करो, बल्कि उसको सपोर्ट करो। वो मेवात की बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठा रहा है, ताकि हम उसको सपोर्ट करेंगे तो उसका हौसला और बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।